गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, आज हम चैप्टर 3 किर्मिच की गेंद, जिसकी लेखिका है शांता कुमारी जैन, आज उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। गर्मी की छुट्टी थी, दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ प्रवीण वृक्ष के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु में चीज धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीक मैंने बांस की तिलियों से बनी हुई पर्दा सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ ने मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी, क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना शुरू किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस मिस होता है, बड़ा चूहा जो जमीन में बिल बनाकर रहता है, तो घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिरमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत में होता है मकान के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेले से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। वो मन में क्या दोहरा रहे थे? कोई ये गेंद तो ये लोग तो नहीं खरीदे हैं। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल दो चार गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना मीन्स होता है आराम करना, तो पेड़ों के नीचे आराम कर रही थी गायें। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की भी ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे
और गेंद। खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा, फिर वह मेरी होगी। सुधी ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा, वह कैसे? किसने पूछा? दिनेश ने पूछा कि वह कैसे। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से भीतर उतर आया दीपक, अपना मतलब सिद्ध करने लगा। अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार मेरे पापा मुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे गिरा दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। ये किसने कहा? दीपक ने कहा। वह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। किसने कहा? अनिल ने। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टपक पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने ऐसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुहासे मीन्स रोने की तरह होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। आजमाना मीन्स जांचना या परखना। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था,
वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही गेंद आरंभ शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटी वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। ओके, थैंक्स।